तो काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह भी मौजूद हैं और वहीं से आप उनको सुन रहे थे। अब आइए आगे बढ़े। उत्तराखंड में बिजली एक बार फिर से महंगी हो सकती है। दरअसल यूपीसीएल का तर्क है कि उसे डिमांड बढ़ने पर बाजार से महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसकी भरपाई उपभोक्ताओं से हर महीने सरचार्ज वसूलने के रूप में हो सकती है। में याचिका दाखिल की। वर्ष 22-23 में पावर परचेज के रेट्स बहुत बढ़ गए थे और जिससे कि हमें यूपीसीएल को हायर कॉस्ट पे पावर परचेज करके उपभोक्ताओं को देनी पड़ा और वो उसका रेट हमको नहीं प्राप्त हो पाया, तो इससे हमारे कैश फ्लो में दिक्कत आती है यूपीसीएल के, क्योंकि हमें पहले पावर परचेज की कॉस्ट हमको दे देनी पड़ती है और उपभोक्ताओं से बाद में हम उसको ले पाते हैं। सरचार्ज के रूप में करने की तैयारी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेगुलेशन बनाया है कि ये मंथली बेसिस पे ले लिया जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं पे भी भार ना पड़े और यूटिलिटी में भी कैश फ्लो बना रहे, जिससे कि पावर का कोई वेरिएशन आता है तो उसको पैसे उसको प्राप्त हो जाए। हाल ही में उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा था। बिजली के दाम में करीब 10% बढ़ोतरी हुई थी, मगर लोगों के लिए अब फिर से बुरी खबर है। अगर विद्युत नियामक आयोग ने इसकी इजाजत दी तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर सैलानी उमड़ने लगे हैं। नैनीताल के टूरिस्ट स्पॉट पर सैलानियों की भीड़ दिखाई दे रही है। जैसे ही गर्मी बढ़ी, देश के कोने कोने से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही नैनीताल में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ने लगी है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग नैनीताल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल और इसके आसपास के पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर, रामगढ़, भीमताल, नौकुचिया ताल में सैलानियों का जमावड़ा है। लेकिन नैनीताल बहुत ठंडा और इधर का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब मौसम मस्ताना हुआ है, इसलिए हम लोग भी इसमें एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। नैनीताल पहुंचने वाले सैलानी नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई सैलानी हो जो यहां आने पर बोटिंग ना कर रहा हो। यहां पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्राउड भी काफी है और घूमने के लिए भी काफी अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, सो इट्स रियली नाइस। और मैं और टूरिस्ट को भी बोलूंगी कि यू मस्ट कम। नैनीताल के साथ ही आसपास के हिल स्टेशन पर भी काफी चहल पहल है। सैलानी कुदरत के नजारों को निहार रहे हैं तो वहीं पहाड़ की सुहावनी आबो हवा का भी आनंद ले रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। नैनीताल शहर से अलावा जो होटल है, होम स्टे, सबका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और पब्लिक बढ़ रही है और यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है और यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो खुश है इस चीज से। गर्मी के मौसम का स्थानीय कारोबारियों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि सीजन में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे व्यापारियों का रोजगार रफ्तार पकड़ जाता है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से राजू पांडे की रिपोर्ट। उत्तरकाशी हर्षिल घाटी में रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है। अब हर्षिल घाटी में पर्यटक और तीर्थयात्री रिवर राफ्टिंग के साथ हर्षिल घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। ये लहरों पर रोमांच का सफर है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में पहली बार रिवर राफ्टिंग की शुरुआत हुई है, इसलिए इससे जुड़े लोग खुश हैं। अब सैलानी और साहसिक खेलों के शौकीन हर्षिल घाटी में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की तरफ से रुद्रप्रयाग की कंपनी को राफ्टिंग की इजाजत दी है। राफ्टिंग कंपनी ने हर्षिल में राफ्टिंग का संचालन शुरू कर दिया है। यहाँ 30 जून तक राफ्टिंग होती रहेगी। हर्षिल घाटी में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत भागीरथी नदी में जांगला पुल से होकर झाला पुल के बीच 3 डेस्टिनेशन चिन्हित किए गए हैं। राफ्टिंग कंपनी की तरफ से हर्षिल घाटी के स्थानीय लोगों को निशुल्क राफ्टिंग कराई गई। इसके साथ ही कई पर्यटकों को भी मुफ्त में राफ्टिंग करने का मौका मिला। अभी तक उत्तराखंड में ज्यादातर सैलानी ऋषिकेश में ही राफ्टिंग करते थे, मगर प्रदेश में राफ्टिंग के कई नए डेस्टिनेशन तैयार किए जा रहे हैं, ताकि पर्यटकों को कई और जगह भी राफ्टिंग करने का मौका मिल सके। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।